डैमेड यार, वैसे मैडम को याद रहे ना रहे, आज मेरा फोन जरूर चार्जिंग पे लगाना था। इडियट। जा रही थी सौम्या, लेकिन ये पैर क्यों बांधा है मेरा? अरे सौम्या, तुम्हारी नींद में चलने वाली बीमारी का रामबाण इलाज है ये। देखो, कहीं नींद में चलते चलते तुम बच्चों के कमरे में चली गई तो बच्चे तो तुम्हें भूत समझकर डर जाएंगे। याद है ना कल कैसे तुम अदित और मंगल के कमरे में चली गई थी? छी, ऐसे अच्छा लगता है क्या शादीशुदा लोगों के कमरे में आधी रात को जाना? अब देखो, हमने तुम्हारा पैर हमारे पैर से रस्सी से बांध दिया है, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगी। अच्छा किया ना हमने, तुम्हारी बीमारी का यही इलाज है। चलो अब सो जाओ। आंटी पर मैं भर भर क्या, आओ सौम्या सो जाओ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, आओ। अरे चलो सौम्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है, रात को सोना चाहिए, चलो आओ। चलो गॉड, आदित मेरी राह देख रहा है छत पर, उसको बता दूं? सौम्या ये क्या है, चलो लाओ, शांति से सो जाओ और हमें भी सोने दो। अरे आंटी सौम्या, हमने कहा ना तुम्हें आराम करने की जरूरत है, अब ये तुम्हारा फोन सुबह ही तुम्हें मिलेगा, चलो सो जाओ। शुभ रात्रि, सो जाओ। गुड नाइट। आदित को कैसे बताऊं, वेट कर रहा होगा। यार ये सौम्या कहाँ रह गई, ना मैसेजेस की रिप्लाई कर रही है ना कॉल कर रही है, कहीं सो तो नहीं गई? लक्ष्मी, वॉशरूम में भी नहीं है। कार्तिक कहाँ जा रहे हो आप? लक्ष्मी को ढूंढ रहे हो ना बेटा? वो गेस्ट रूम में सो रही है। What? Even I am surprised. मैंने अपनी आंखों से देखा उसे वहां सोते हुए। कार्तिक, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम क्या सोच रहे हो। देखो, हमारा वक्त अलग था, हम रिलेशनशिप को वैल्यू देते थे, मगर आजकल की ये लड़कियाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय मन में गुस्सा लेके बैठ जाती है। भाई बात को खत्म करें, पर नहीं, इन्हें तो खींचना है। ये कोई बात हुई कि अपना सामान उठाया और चली गई? अरे इतना हल्का होता है क्या रिश्ता? इस तरह ईगो लेके बैठी है कि जैसे सारी गलती बस तुम्हारी हो। खैर बेटा, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। कार्तिक माँ, मैं क्यों संभालूं? उसे जहां जाना है वहां चली जाए, से माफी नहीं मांगनी, बात खत्म नहीं करनी, तो मुझे भी परवाह नहीं। कार्तिक, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बेटा। देखो, हो सकता है कि उसे स्पेस चाहिए हो, थोड़ा वक्त दे दो उसे कार्तिक, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी बेटा, पर तुम दोनों के रिश्तों पे मुझे ये लगाम लगानी बहुत जरूरी है। You take rest. जो इसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, क्या करूं?
चलो ट्रैक्टर सो गया, जल्दी भागती हूँ इससे पहले कि आदित वहां से चला जाए। I'm so sorry. आजकल मैं इतना परेशान रहता हूँ कि कुछ अजीब सा ही बिहेव कर जाता हूँ। पर प्लीज थोड़ा मत मानना, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, पर अब और नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं भी यही चाहती हूं आदित्य जी। जी आप सही नहीं, अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गया खुले में थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए। अजी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपके लिए दवा ला दूँ या काढ़ा बना दूँ? आपको जरूर एसिडिटी हुई होगी, एक मिनट रुकिए। अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? आओ जानो, अभी तो आई हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी बातें कर लेते हैं, वैसे भी फ्री कम ही रहती हो तो। आज का दिन बहुत भारी था ना हम दोनों के लिए। देखो ना, बच्चे भी मुझ पर नाराज हो गए। बताओ मेरी क्या गलती थी? उन्होंने माफी मांगी आपसे, सॉरी बोला। हाँ हाँ सॉरी तो कहा, लेकिन घर पर कलेश होना ठीक नहीं है ना, सबका मूड खराब हो जाता है और गुस्से में मैं भी बहुत कुछ कह जाता हूँ। और ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ तुम जानकर पापा को गलत दवा नहीं दोगी, गलती से हो गया होगा, बस आगे से ध्यान रखना। आपका इतना कहना ही काफी है जी।